हेलो एवरीवन आज हम करने जा रहे हैं फिफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी ऑफ इंडियन पिनल कोड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो करवा दी है जिसमें फिफ्टी क्वेश्चंस करवा दिए हैं साथ साथ में ये करते रहो और अगर आपने रिवाइज़ वगैरह नहीं किया है कि आप एम uh, सी देने से पहले ही सोच रहे हो तो मैं बता दूँ कि आपको रिवाइज़ करने की कोई जरूरत नहीं है मैं इसमें आपकी पूरी फुल कवरेज करवा दूंगी कोई इशू नहीं है ठीक है अब इसमें सबसे पहला फिफ्टी वन में इन एवरी स्टैच्यूड मैंसरिया इज टू बी एम्प्लाइड अनलेस द कॉन्ट्री इज शोड ठीक है ये कौन से केस में ये व्यू एक्सप्रेस किया गया था शेराज वर्सेस डी रटजन ठीक है कौन से केस में शेराज वर्सेस डी रटजन ये बहुत फेमस केस है वैसे नेक्स्ट है द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम इज एक्टस रिया फिजिकल एक्टस रिया है मेंटल क्या है मेंस रिया है मोटिव इज द डिज़ायर मोटिव क्या है डिज़ायर है टू कमिट द क्राइम ठीक है अब इसमें से कौन सही है सही कौन से लग रहे हैं सारे ही सही लग रहे हैं ऑल ऑफ द अप नेक्स्ट है एट्टी फोर आई पी सी प्रोवाइड्स फॉर अब एटी फोर जो है हमने कहाँ तक कर लिया था हमने मैन आई सी ठीक है ये हमारा डायग्राम था ठीक है ये सेवेंटी नाइन पे एंड होता है एटी होता है ये एटी वन होता है ठीक है आई से क्या है इन फैंसी एटी टू एटी थ्री ठीक है फिर इसके बाद क्या है इन फैंसी के बाद आ जाता है इनसेनेटी एटी फोर फिर क्या है इंटॉक्सिकेशन एटी फाइव एटी सिक्स यहाँ पे आ गया तो एटी फोर में क्या है इंसानिटी है ठीक है कौन सी मेडिकल इंसानिटी कि लीगल इंसानिटी अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ जाता है कि मेडिकल इंसानिटी है कि लीगल इंसानिटी है लीगल है ठीक है मेडिकल जब भाड़ में इधर लॉ से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो लीगल है हालांकि ये मैं सिर्फ आपको समझाने के सेंस में बोल रही हूँ असल में इसका पूरे एक थ्योरी है जो मैंने आपको करवा दी है नेक्स्ट है इरेजिस्टिबल इम्पल्स इज अ डिफेंस ठीक है इ रेजिस्टिबल इम्पल्स यानी कि आपने रैशली कुछ कर लिया है रजिस्ट नहीं कर पा रहे हो वो कहाँ है डिफेंस है कहीं नहीं नीदर इन इंडिया नॉर इन इंग्लैंड नेक्स्ट है हैंगमैन हु हैंग्स अ प्रिजनर अब सेवेंटी एट में मैंने आपको बता दिया जज वाला है ठीक है सॉरी सेवेंटी सेवन में जज वाला है मैंने पहले आपको वीडियो में करवाया था उसको आप करेक्ट कर लेना ठीक है सेवेंटी सेवन में uh, जज वाला है सेवेंटी एट में है हैंग मैन से रिलेटेड ठीक है नेक्स्ट है इंसैनिटी एज अ डिफेंस मीन्स दैट अ पर्सन एट द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट बाई रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नूइंग द नेचर ऑफ द एक्ट देखो बेस्ट आंसर तो यही है व्हाट ही इज डूइंग इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ बट क्या है नेचर ऑफ द एक्ट वॉट इज डूइंग इज रॉन्ग ये सारे इसी में आ जाते हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द एक्यूज़ वॉज नॉट इन सेन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस इज़ ऑन द प्रोसिक्यूशन ठीक है अब देखो इनमें से कौन सा करेक्ट है बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द एक्यूज़ वॉज नॉट इन सेन ऐट द टाइम ऑफ कमीन ऑफ द ऑफेंस इज ऑन द प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन पे नहीं है वो अकूज पे है द बर्डन ऑफ प्रूविंग दट द अक्यूज वॉज इन्सेन एट द टाइम ऑफ कमी ऑफ ऑफेंस इज ऑन अक्यूज हाँ अक्यूज पे है नेक्स्ट देयर इज अ रिबटेबल प्रिजम्शन ऑफ फैक्ट दट अक्यूज वॉज इन्सेन एट द टाइम ऑफ कमीशन ना इसका आंसर है बी नेक्स्ट है फॉर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड द इम्पेयरमेंट ऑफ द कागनेटिव फैकल्टी ऑफ माइंड टू स्केप क्रिमिनल लाइबिलिटी मस्ट भी अब क्या होनी चाहिए अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की आप पागल हो आपके सॉरी ये मुझे टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ करनी चाहिए थी आप अनसाउंड हो और आपके जो दिमाग में है क्रिमिनल लाइबिलिटी से भागने वाली कोई मेंटालिटी नहीं चल रही है ठीक है तो वो कितनी हो चाहिए टोटल है पार्शल टोटल नेक्स्ट है इंटॉक्सिकेशन एज डिफेंस इज कंटेन इंटॉक्सिकेशन एज डिफेंस किस में कंटेन किया गया है बोथ ए एन बी यानी कि सॉरी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था एटी फाइव एटी सिक्स कहाँ पर बताया था मैंने आपको एटी फाइव एटी सिक्स ठीक है इसके बाद आ जाता है फॉर अ डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन टू स्केप क्रिमिनल लाइबिलिटी द डी जनरेशन ऑफ मेंटल फैकल्टीज ठीक है ये इसका भी आंसर क्या है इट मस्ट बी टोटल नेक्स्ट है फॉर अ डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन टू स्केप क्रिमिनल लाइबिलिटी द इंटॉक्सिकेशन कैसा होना चाहिए एक बार इसका आंसर देख लेते हैं हम इंटॉक्सिकेशन से रिलेट कर रहे हैं इसको मस्ट बी टोटल होना चाहिए नेक्स्ट है फॉर डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन टू स्केप क्रिमिनल लाइबिलिटी इंटॉक्सिकेशन कैसा होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेट अगेंस्ट हिज विल और नॉलेज ठीक है अगेंस्ट क्या होना चाहिए अगेंस्ट विल एडमिनिस्ट्रेट होना चाहिए नेक्स्ट है इन केस वेयर द एक्ट इन्वॉल्व्स अ स्पेसिफिक मेंसरिया इन केस ऑफ इंटॉक्सिकेशन अंडर सेक्शन एट्टी सिक्स ऑफ आई पी सी क्या है स्पेसिफिक मेंसरिया क्या है इन्वॉल्व करता है अगर इंटॉक्सिकेशन सेट्टी सिक्स में क्या किया गया हो देखो आपकी जो मेंटल स्टेट है उसको क्या कर लिया जाएगा स्पेसिफिक डिपेंड्स अपॉन द अटेंडिंग सर्कमस्टांस एंड डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन मैं आपका इस हिसाब से माना जाएगा नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया इस कंटेंडेंट ठीक है वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया ये किसमें कंटेंट है ऑल ऑफ वी एन एफ आई ठीक है अब ये कैसे है ये जो सेक्शन एटी सेवन एटी एट एटी नाइन जो है ये किसके बारे में बात करते हैं कंसेंट के बारे में बात करते हैं ठीक है कंसेंट अब आपने कहीं पे अपनी कंसेंट दे दी है ठीक है तो क्या है वी एन एफ आई आप पे लग जाएगा इसलिए ये किस पे इंक्लूड करते हैं ये ऑल ऑफ द अबव पे करते हैं अब एटी सेवन एटी एट एटी नाइन डिस्कस भी कर लेते हैं हमने एट्टी फाइव एटी सिक्स तक डिस्कस कर लिया 87 है एटी सेवन है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाई कंसेंट कंसेंट है एटी सेवन में ठीक है और लाइकली कर सकता है क्या कॉज डेथ कर सकता है पर इंटेंशन नहीं है ठीक है एटी एट में एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाई कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सेंस बेनिफिट एक्ट क्या है इंटेंड नहीं कर रहा है डेथ डन बाई कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सनस बेनिफिट किसी इंसान के बेनिफिट के लिए ठीक है नेक्स्ट क्या है एटी एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड अब ये चाइल्ड के लिए किया गया है

ठीक है इन एलियनेबल राइट्स तो उसी के लिए है ये कंसेंट जो है रेट्रोस्पेक्टिव इन इट्स एप्लीकेबिलिटी इन इन राइट्स नेक्स्ट है द डिफेंस ऑफ कंसेंट इज नॉट अवेलेबल इन केसेस ऑफ कंसेंट टू कॉज डेथ कंसेंट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट अब ये क्या है ये सारी चीजों के लिए नहीं लगेगा नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ कंसेंट टू ऑल ऑफेंसेस शॉर्ट ऑफ कॉजिंग डेथ हैज बीन एक्सटेंडेड अंडर अब क्या है इंटेंशन है इसमें डेथ शॉर्ट ऑफ कॉजिंग डेथ तो कौन से सेक्शन के अंदर ग्रांट किया गया है पहले सेक्शन पर लेते हैं एटी एट एक्ट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ डन बाई कंसेंट एंड गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट ठीक है तो इसमें क्या है एक्ट है इंटेंड नहीं कर रहा है टू कॉज डेथ कंसेंट है किसकी कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट बेनिफिट है एंड बेनिफिट है इसीलिए वो एक्ट क्या है इट इज शॉर्ट ऑफ कॉजिंग डेथ तो किसमें आ गया सेक्शन एटी एट नेक्स्ट है अंडर सेक्शन एटी नाइन द कंसेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्फेंट्स अंडर ट्वेल्व इयर्स ऑफ एज और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन भी गिवन बाई गार्जियन सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाई लॉ सिंपल है इधर गार्जियन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है भी नहीं है रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए ठीक है द कंसेंट इज़ नॉट अ वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन नाइन्टी ठीक है सेक्शन नाइन्टी में वो वैलिड कंसेंट नहीं होगी इफ़ कब दिया गया है आपने कुछ फियर में या किसी उसमें दिया है ठीक है अनसाउंड माइंडस में दिया है बारह साल से कमी के एज में दिया है तो ऑल ऑफ द अबाव आ गया नेक्स्ट है कंसेंट गिवन अंडर कंपल्शन अराइजिंग आउट ऑफ थ्रेट ऑफ इंजरी अब कंसेंट जो है वो कंपलशन में दी गई है ठीक है थ्रेट आउट ऑफ इंजरी तो वो कैसी कंसेंट है एक्सक्यूज द कॉजिंग ऑफ डेथ नहीं एक्सक्यूज कुछ भी एक्सक्यूज नहीं करती है यार अगर थ्रेट में दिया गया है तो नीदर इन और बी नेक्स्ट है डी मिनिमस नॉट क्यूरेट लेक्स अब डी मिनिमस नॉट क्यूरेट लेक्स इसका क्या मतलब होता है लॉ वुड नॉट टेक एक्शन ऑन स्मॉल एंड ट्रिफलिंग मैटर्स छुटवैया मैटर्स के बारे में लॉ जो है बिल्कुल ध्यान नहीं देगा ठीक है नेक्स्ट है प्रिंसिपल डी मिनिमस नॉट क्यूरेटलैक्स इज कंटेंडेड अब ये छुटवइया सेक्शन कौन सा से उसमें दिया गया है ये दिया गया है नाइन्टी फाइव में नाइन्टी फाइव देख लेते हैं Acts causing slight harm, बस इतना दिया गया है नेक्स्ट है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अब प्राइवेट डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट राइट right है कौन सेक्शन में दी गई है बहुत फेमस सेक्शन है नाइन्टी सिक्स में दी गई है ठीक है अब देखो सेवेंटी सिक्स से एट्टी सिक्स कम्प्लीट हो गया एट्टी सेवन से नाइन्टी फाइव तक आ जाता है फिर नाइन्टी सिक्स में प्राइवेट राइट right उसके आगे स्टार्ट हो जाती है इसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ड ऑन द नेचुरल इंस्टिक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन नेक्स्ट है वो क्या है अनरिस्ट्रिक्टेड है सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन नाइन ऑफ आई पी सी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन चैप्टर फोर ऑफ आई पी सी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ आई पी सी क्या है सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन नाइन ऑफ आई पी सी नाइनटी नाइन क्या है जहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ना हो तो नाइन्टी सिक्स और नाइन्टी नाइन उल्टा हो गया ठीक है ऐसे याद रखना राइट टू प्राइवेट डिफेंसिस अब राइट टू प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है क्या है अवेलेबल एंड अवेलेबल वेर देर इज टाइम टू हैव द रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स ले सकते हो तो फिर थोड़ी होगा अवेलेबल वेर देर इज नो टाइम ये इसका आंसर है नेक्स्ट है द लॉ ऑन प्राइवेट डिफेंस इन इंडिया इज द सेम एज इन इंग्लैंड या फिर इज़ नैरोवर वाइडर देखो इंडिया का लॉ है इंडिया की आबादी ज़्यादा है इंडिया का लॉ भी वाइडर होगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है नेक्स्ट है द राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू हार्म टू बॉडी मूवल इमूबल प्रॉपर्टी ऑल ऑफ द अबव तो इसका आंसर क्या होगा ऑल ऑफ द अबव बट प्रपोर्शन में होना चाहिए नेक्स्ट है अंडर सेक्शन नाइन्टी एट राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑल्सो इज अवेलेबल अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेट डिफेंस और किसके अगेंस्ट में है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हू डज नॉट मेचोरिटी हाँ तो दोनों के अगेंस्ट में

प्रॉपर्टी क्या है हैज़ बिन प्रोवाइडेड अब ये क्या है प्रोवाइडेड इसमें क्या है अंडर सेक्शन नाइन्टी सेवन ऑफ आई पी सी कौन सेक्शन में प्रोवाइडेड है नाइन्टी सेवन में नेक्स्ट है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल किसको अग्रेसर को नहीं अवेलेबल है टू द पर्सन हु इज अटैक्ड उसको तो अवेलेबल है एग्रेसर अगेंस्ट एन एक्ट डन इन प्राइवेट डिफेंस बाय द पर्सन अटैक्ड इसको तो नहीं अवेलेबल है टू द पर्सन हु इज अटैक्ड अटैक्स ए और सी आर करेक्ट हाँ ये सही है ए और सी आर करेक्ट मुझे लगा ऑप्शन में नहीं है नेक्स्ट है इन केस ऑफ फ्री फाइट बिटवीन टू पार्टीज दो पार्टीज के बीच में फ्रीली फाइट हो रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू बोथ द पार्टीज या फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स अगेंस्ट इंडिविजुअल अब ये देखो एक कॉन्सेप्ट आ गया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो क्या है नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल क्यों फ्री फाइट चल रही है नेक्स्ट है अंडर सेक्शन नाइनटी नाइन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसिस अब नॉट अवेलेबल टू ऑल अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स इंगेज इन द डिस्र लॉफुल ड्यूटीज ठीक है अवेलेबल अंडर और अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंस एंगेज डिस्चार्ज ऑफ द लॉफुल ड्यूटीज नो अवेलेबल अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट ओनली वेन देर एक्ट्स कॉज रीजनेबल अप्रिहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट तो यहाँ पे अवेलेबल है सॉरी यहाँ पे अवेलेबल है हाँ यहाँ पे तो अवेलेबल है अगर रीजनेबल अप्रीहेंशन कॉज करें नॉट अवेलेबल अगेंस्ट पब्लिक इंगेज इन इंग ये रॉन्ग हो गया अवेलेबल अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट ओनली वन द रेक्स कॉज रीजनेबल अप्रिहेंशन ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है तो इसका आंसर क्या हो गया पब्लिक सर्वेंट्स के लिए अगेंस्ट है अप्रिहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवस हर्ट के दौरान नेक्स्ट है राइट टू प्राइवेट डिफेंस अंडर सेक्शन नाइन्टी नाइन राइट टू प्राइवेट डिफेंस सेक्शन नंबर नाइन्टी नाइन क्या करता है डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग मोर हार्म दैन इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस ठीक है नेक्स्ट है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ अंडर डाउन ठीक है डेथ लेट डाउन कहाँ तक करता है सेक्शन हंड्रेड वन जीरो थ्री ठीक है डेथ कॉज करना नेक्स्ट है हंड्रेड किसके लिए बॉडी के लिए और वन जीरो थ्री प्रॉपर्टी के लिए नेक्स्ट right right है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू काजिंग डेथ हैज़ बीन डेल्ट विद अंडर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ठीक है सेक्शन हंड्रेड में नेक्स्ट है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंडिंग टू काजिंग डेथ हैज़ बीन डेल्ट विद अंडर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है इसलिए हंड्रेड को मार्क मत कर देना वन ज़ीरो थ्री है ठीक है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है आंसर वन ज़ीरो थ्री है नेक्स्ट है इन केस ऑफ असल्टी कॉजिंग रीजनेबल एप्रिहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट असल्ट है मारा पीटी हो रही है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स वॉलेंटरली राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड क्या कर सकता है कॉजिंग डेथ ठीक है नेक्स्ट है इन केस ऑफ असल्ट विद इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप रेप वगैरह इन सब चीजों तो के लिए तो कॉजिंग एनी हार्म इंक्लूडिंग डेथ ऑब्वियसली इसमें तो ये है ना कॉजिंग एनी हार्म इंक्लूडिंग डेथ नेक्स्ट इसके बाद इन केस ऑफ किडनैपिंग और एबडक्शन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंस वॉलेंट्रिलली कॉजिंग हार्म अब इसमें डेथ कॉज कर सकते हाँ. robbery decority, robbery decority हो आप एनी हार्म इंक्लूडिंग डेथ हाँ इन केस ऑफ रॉबरी डेकोटी रॉबरी डेकोइटी भी ग्रेव ऑफेंसेज हो गए तो क्या होगा इंक्लूडिंग डेथ नेक्स्ट वेयर रॉन्ग टू एयर कमिट्स हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट हो गया है तो क्या है इंक्लूडिंग डेथ नेक्स्ट वे आर रॉन्ग लीड्स टू मिस्चिप बाय फायर ऑन अ बिल्डिंग यूज एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग और अ प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी द राइट ऑफ प्राइवेट ऑफेंस एक्सटेंड्स वॉलेंट्रिलली कॉजिंग

कंटिन्यूस ये तो इसका सही आंसर है नेक्स्ट है अंडर सेक्शन वन जीरो फाइव फॉर फाइव ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ थेफ्ट अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमिंस कंटिन्यूस ठीक है फिर कंटिन्यू कब तक करता है टिल द ऑफेंटर हैज अफेक्टेड नो टिल द दबसेंस ऑफ सब ऑफ पब्लिक या कंटिन्यूस टिल द प्रॉपर्टी हैज प्रॉपर्टीज रिकवर्ड हाँ सारे टाइम के लिए क्या करता है कंटिन्यू करता है नेक्स्ट वन जीरो सिक्स ऑफ आई पी सी एक्सटेंड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन अ केस ऑफ एप्रिहेंशन ऑफ डेथ टू कॉजिंग एप्रिहेंशन ऑफ डेथ टू कॉजिंग क्या कॉज करने के लिए तक एक्सटेंड होता है ये एनी हार्म इंक्लूडिंग डेथ टू एनी इनोसेंट पर्सन एनी हार्म अदर देन ग्रीवर्स हर्ट टू यार इसका आंसर ये होगा एनी हार्म अदर देन ग्रीवर्स हर्ट टू एनी इनोसेंट पर्सन नेक्स्ट चैप्टर फाइव ऑफ आई पी सी डील्स विद चैप्टर फाइव ऑफ फाइव पी सी जो है वो डील्स किससे करता है एबटमेंट किस चीज़ से डील करता है वो वो डील करता है एबटमेंट से ठीक है अब इसमें राइट ऑफ प्राइवेट ऑफेंस इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एनी एक्ट विच इन इट सेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस ऑफेंस नहीं है उसके अगेंस्ट तो यूज नहीं होगा ये है ना बेसिक सी बात है अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज़ नॉट लीगल रॉन्ग ठीक है अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज़ अ मॉरल रॉन्ग मॉरल रॉन्ग है तो क्या करना है ऑल ऑफ द लास्ट है इसमें सेक्शन नाइनटी सेवन ऑफ आई पी सी एक्सटेंस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी टू द ऑफेंस ऑफ किस ऑफेंस पे एक्सटेंड करता है थेफ्ट एंड रॉबरी ठीक है तो आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया हो अगर कोई इशू रह जाता है तो प्लीज़ डू कॉमेंट तब तक लिए चलते हैं प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब